जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है पीला फूलगोभी सिजेंटा कंपनी का, जिसको हम कहते हैं कैरोटीना। इसका हमने नया नया पैकेट लाया है, इसको हमने पिछले बार भी लगाया था, इस बार भी हम लगाएंगे। और आप नया शायद देख रहे हैं कि हमने पिछले बार जो लगाया था उसका कुछ नमूना है, यानी ये सच में बहुत प्यारा पीला पीला फूलगोभी, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आज हम पूरा का पूरा डिटेल वीडियो इसी पे होने वाला है कि क्या है ये कैरोटीना वैरायटी, क्या इसका साइज होने वाला है, कैसा सुंदर लगता है, क्या इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, उसका पूरा डिटेल से आज बात करेंगे। हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको संगम बगीचा में। हम हैं डीके और आज हमारा टॉपिक होने वाला है कैरोटीना यानी पीला फूलगोभी पे। तो हमने पिछले बार भी इसका लगाया था, सेम एज यूजल नर्सरी का सबका तरीका सेम होता है। नर्सरी इसका भी 20 से 25 दिन में डेवलप हो जाता है, लेकिन इसके सीड जो होते हैं, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि जितने सीड हमने लगाए तो उसका 50% ही सीड लगभग जर्मिनेट हो पाया। कारण पता नहीं, समझ में नहीं आ पाता, यानी 50 जितना सीड हमने लगाया था उसका आधा ही सीड इसमें पेयर हुआ, बाकी सीड जो है सो गया। बाकी का जो हमने लगाया था तब फूल का साइज ठीक ठाक आता है, अगर आप देखभाल करते हैं तो लगभग 1 किलो का साइज आता है। तो उसका हम अपडेट आपको आई बटन में डाल देंगे कि पिछले बार का क्या हमारा अपडेट रहा, उस पर 2-3 वीडियो हमने बनाया है, तो ठीक ठाक साइज आता है। तो लगभग हमने 200 पेड़ लगाया था ट्रायल बेसिस पे, उसका 100 जो है सक्सेस रहा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस बार हम जो क्या करने वाले हैं, इस बार हम फिर जो है अधिक मात्रा में इसको भी लगाने वाले हैं और कमर्शियली देखते हैं कि हमारे मार्केट में इसका क्या डिमांड है, तो अच्छे खासे लगाने वाले हैं। तो इसको तो ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि इसका नर्सरी का तरीका सेम है, इसका जो है बस देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसका बीज काफ़ी महंगा आता है। इसलिए अगर आप समझ लें कि अगर तभी इस आप कॉलीफ्लावर का लगाएंगे जब आपको इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी हो कैसे लगाया जाए, वरना आपको घाटा लग सकता है। इसके अलावा किस मौसम में लगाए, तो ये अगेती वैरायटी नहीं है, ये पिछेती वैरायटी है, ये ठंडा में ही लग सकता है। इसके अलावा हम चलते हैं इसके वेबसाइट पर, जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या क्या एक्स्ट्रा जानकारी, जितना हमने कहा है उसी को शॉर्ट तरीके से या थोड़े अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है और कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है। ये तो 2-3 जानकारी रखते हैं आप, तो आपको घाटा भी कम लगेगा और पैदावार भी ज़्यादा होगा। चलते हैं हम, अब हम लोग वेबसाइट पर जहाँ से जानकारी लेते हैं कैरोटीना के बारे में। अब क्या करेंगे, आप कैरोटीना लिखेंगे और येलो कॉलीफ्लावर सिजेंटा, तो कैरोटीना लिखेंगे ऐसे, कैरोटीना सिजेंटा SYGNTA सिजेंटा डालेंगे, ऐसे ही आपका आ जाएगा। ये देखिए इसमें अलग अलग फ़ोटो दिखाएंगे, पहले मार्केटिंग वाला, तो ये सब आपको नहीं काम करना है। सिजेंटा कॉली अलग अलग, ये अलग अलग रंग के कॉलीफ्लावर, ये देखिए वैरायटी हमने इसको खोला है, आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप खोलेंगे तो ये देखिए इसमें आगे आपको सिजेंटा का वेबसाइट जहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहला इसमें देखिए इसका फ़ोटो दिया हो गया, कितना सुंदर गजब सा फ़ोटो है, और आपने वास्तव में भी देख लिया है कि इससे ज़्यादा सुंदर लगता है, वास्तविक में इससे सुंदर लगता है आपका कैरोटीना कॉलीफ्लावर, इससे सुंदर देखने में होता है। तो ये रहा इसका फ़ोटो, आगे हम जानकारी इसके बारे में लेते हैं। तो देखिए लास्ट अपडेट, इसका वेबसाइट भी अपडेट कर दिया गया है, पिछले बार काफ़ी पुराना अपडेट था, तो 28/6 को जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी साल जून को इसका वेबसाइट भी अपडेट कर दिया गया है। और आगे इसका ओवरव्यू थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में क्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये रिच सोर्स, विटामिन ए का रिच सोर्स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी इसमें ए में खूब भर भर के विटामिन ए इसमें के मात्रा में होता है। इसका कर्ड का क्वालिटी, यानी फूल गोभी जैसे जनरली वाइट होता है, लेकिन वाइट नहीं होकर पीला होता है, ये इसलिए बहुत अट्रैक्टिव देखने में लगता है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होता है, और सुटेबल फॉर कूल क्लाइमेट, ये छोटा ओवरव्यू है कि ठंडे जगहों पे होगा, ऐसा नहीं है कि CFL 1522 की तरह आपको जहाँ एकदम खूब गर्मी में आपको उगेगा, तो ये सब अगर आप गर्मी के में जगहों पे हैं तो नहीं होगा। जैसे हम लोग बिहार में हैं तो ठंडी में ये उग जाता है, और पिछले बार में हमने उसको उगाया था, इसका साइज़ भी ठीक ठाक आ जाता है। इसके अलावा ये देखिए इसमें ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, टेम्परेट कॉलीफ्लावर इस स्ट्रॉन्ग विगर, मतलब सुगंध के साथ होता है, ये ठंडा वाला कॉलीफ्लावर है ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं इसके गुण में, ये देखिए ये सब गुण है इसमें, हालांकि इसमें बहुत सारा वेबसाइट पे पिछले बार से डिटेल हटा दिया है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। इसका कर्ड का साइज़ 1 से 1.5-2 किलो होता है, लेकिन बताया गया है लेकिन 1 किलो के आसपास होता है, और खूब खाद उद मारते हैं तो हो जाएगा आपका 1.5-2 किलो, लेकिन हमने जो हमारे पास जो पिछले बार फूलगोभी था मोटा मोटी जो है 1 किलो 1.25 किलो का आसपास आया था, ठीक है। इसके बाद इसका कलर जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था, येलो कलर यानी पीला कलर का होता है,
इसके अलावा इसका शेप जो होता है येलो कम्पैक्ट डोम यानी गुंबद के आकार का होता है, किस किस स्टेट में लगा सकते हैं, तो जैसे कि देख रहे अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह से बिहार, दिल्ली, इस तरह गुजरात, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे जगहों जहाँ पे उसको आप लगा सकते हैं, बशर्ते याद रखें कि ये ठंड में लगेगा, ठीक है, ठंड में आपको इसको लगाना है। इसके अलावा और भी अगर फूल गोभी की जानकारी चाहिए तो आपके नीचे वेबसाइट में इसमें दिया होता है ये CFL 15x22 विद फ़ोटो के साथ, आप हर एक किसी को भी क्लिक करेंगे तो आप उसके बारे में जैसे CFL 15x22 काफ़ी फेमस, उसके बारे में ऐसे रीड मोड करेंगे आपको वहाँ सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। इसके सबसे सुंदर बात क्या है, इसके नीचे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर पे आपको स्पेशली दिया होता है कि क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में बात करना है तो ये टोल फ्री 3 नंबर दिया गया उसमें बात कर लेंगे, उसके बाद सीड के बीज के बारे में बात करना है तो नीचे वाले नंबर पर बात कर लेंगे, तो आपका सारा डिटेल मिल जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम का होगा। तो इस तरीके से छोटे से छोटे छोटे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।